At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। महाराजगंज मुख्यालय के नगर पालिका परिषद के खिलाफ बड़ी संख्या में ठेला खोमचा व्यापारियों ने सपा नेता दिलीप शुक्ल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा NH 730 के किनारे फूल लगाने के लिए बड़े बड़े ईंट के गमले बन रहे हैं। इनके बनने से सड़क के किनारे नाली पर व्यापार कर रहे पटरी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। विरोध प्रदर्शन कर रहे दिलीप शुक्ल ने बताया कि या तो ठेला खोमचा पटरी व्यवसाय को उचित स्थान पर बसाया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी को नुकसान ना हो। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक उन्हें पटरी पर व्यवसाय करने से रोका ना जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में ठेला खोमचा व्यापारियों ने विरोध कर दुकान लगाने की मांग की है। यह मांग नहीं है, अधिकार है। नगर पालिका परिषद महाराजगंज जो इन गरीब ठेला व्यवसायियों के खिलाफ खड़ी हुई है, इनके ठेले और खुमचे को हटा रही है, इनके रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रही है। हमने इनसे कहा है कि बेशक आप इनके ठेले खुमचे को हटाइए, लेकिन तब तक इनके लिए कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश को लखनऊ के गोमती पुल पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में पकड़ लिया। सूचना पाते ही शिवपाल यादव थाने पहुंच गए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद निजी सचिव अंकुश को पुलिस ने थाने से छोड़ दिया। पुलिस चेकिंग कर रही थी, दरअसल उसी समय शिवपाल के निजी सचिव अंकुश की गाड़ी को भी रोका गया था, जिस पर निजी सचिव और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। गाड़ी के पेपर्स दिखाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने अंकुश को रोक लिया, जिसकी सूचना पर शिवपाल यादव थाने पहुंच गए। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया है, अंकुश को भी छोड़ दिया गया। शिवपाल यादव भी वहां से चले गए, लेकिन देर रात यह हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर जरूर नजर आया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं हाथरस में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम लीग का पुतला दहन किया है। केरल में हिंदुओं के प्रति अपमानजनक नारे लगाने पर मुस्लिम लीग का पुतला दहन किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। केरल की राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यकर्ताओं ने मांग की है। हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। सदर कोतवाली क्षेत्र के सासनी गेट चौराहे पर हिंदू जागरण मंच ने मुस्लिम लीग का पुतला दहन किया है। केरल में मुस्लिम लीग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम नारे लगाए कि हिंदू समाज के लोगों को जान से मार देंगे, उनको फांसी पर लटका देंगे, मार देंगे, काट देंगे, और ये सब चीज़ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने देखा। इसके विरोध में आज मुस्लिम लीग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया है। झांसी के गरौड़ कोतवाली के अंतर्गत का एक पूरा मामला है, जहां कुछ दिन पहले गरौड़ क्षेत्र से अलग अलग जगह से 3 युवतियां घर से गायब हो गईं। पीड़ित युवतियों के परिजनों ने कांग्रेस नेता उर्मिला सोनकर खाबरी तक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी गरौड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए युवतियों को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। वहीं BSP कार्यकर्ताओं द्वारा गरौड़ से गायब तीनों युवतियों को जल्द से जल्द ढूंढने की बात कही गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी बेटियों को घर से गायब हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई है। वहीं BSP कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द युवतियों को ढूंढने की बात कही। उनका कहना है कि नहीं तो हम BSP कार्यकर्ता अनशन पर अग्रसर होंगे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोग आज यहाँ पे नगर में जो दो लड़कियों के भागने का जो घटना हुई है, हम इस संबंध में आए हैं और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ CEO साहब से और SDM महोदय से मुलाकात किया और उनको इस बारे में अवगत कराया कि नगर में जो लड़कियाँ यहाँ से गई हैं उनके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो अपराधी हैं, जिन लड़कों ने अपराध किया है, उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज है, उनको कड़ी से कड़ी
दंडात्मक कार्रवाई की। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पूर्व सांसद अफजाल अंसारी देर शाम जिला जेल से रिहा हुए हैं। अफजाल अंसारी की रिहाई के मद्देनजर जेल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद से अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल में बंद थे। कोर्ट से सजा के बाद इनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। 24 जुलाई को हाईकोर्ट से अफजाल को जमानत मिली। हाईकोर्ट से यहां जमानत मिलने के बाद 1-1 लाख रुपए के 2 जमानतदारों के बेल बॉन्ड भरने और वेरिफिकेशन और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बाद देर शाम अफजाल अंसारी को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से बगैर कुछ बोले अफजाल अंसारी चले गए। मीडिया के सवाल पर उन्होंने अपनी तबीयत ठीक ना बताते हुए बाद में बात करने की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय से 24/7/2023 को गैंगस्टर एक्ट में इनको जमानत मिली हुई है और उस जमानत के तहत आज जो है जमानत भरा गया, कल भरा गया और आज जो है वेरिफिकेशन होने के बाद, जमानदारों का वेरिफिकेशन होने के बाद आज उनको रिहा किया गया। वही उन्नाव में गंगा नदी में युवक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। खतरे के निशान के करीब गंगा बह रही है। उफनती गंगा नदी में पुल से कूद रहे युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुल से उफनाती गंगा में मौत की छलांग युवा लगा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गंगाघाट क्षेत्र के जाजमऊ गंगा पुल का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, गंगा अपने पूरे उफान पर है लेकिन युवाओं को इस बात का डर नहीं है। खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर कुछ युवा जो हैं वो पुल पर खड़े होकर सीधे नदी में छलांग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये युवा जो है वो नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर की 2 पत्नियों के विवाद में नया मोड़ उस समय आ गया जब पहली पत्नी द्वारा अपने 7 अन्य महिलाओं साथियों के साथ मिलकर दूसरी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर की पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी को जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा है। वह पिटाई का वीडियो डॉक्टर के क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पड़ोस के लोगों द्वारा घायल दूसरी पत्नी को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद पीड़ित पत्नी ने थाने में जाकर आरोपी महिलाओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित फैमिली क्लिनिक का है, जहां डॉक्टर कासिम अली अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर कासिम अली ने 2 निकाह कर रखे हैं। पहली पत्नी आयशा है, जबकि दूसरा निकाह फरहा अंजुम के साथ हुआ है। 3 दिन पहले डॉक्टर कासिम अली की दूसरी पत्नी फरहा अंजुम अपने पति के क्लिनिक पर पहुंच गई, जिसे देखकर डॉक्टर कासिम मौके से फरार हो गए। फरहा क्लिनिक पर ही सीसीटीवी की निगरानी में कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही कासिम की पहली पत्नी आयशा को दूसरी पत्नी के क्लिनिक पर होने की जानकारी मिली, तो अपने 7 अन्य महिला साथियों के साथ क्लिनिक पर पहुंच गई। दूसरी पत्नी फरहा अंजुम के साथ मारपीट की है, जिसमें अंजुम घायल हो गई है। शोर सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बुढ़ाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर एक महिला को मारपीट कर रही हैं, जिसके साथ इस संबंध में थाना बुढ़ाना पे अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसमें 7 लोगों को नामजद किया गया है। 2 टीम पुलिस की बनी हुई जो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वही गौना में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर अंतर जनपदीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल, 5 बंद लिफाफा एटीएम बरामद किए हैं। आरोपी मनोज, अंकुर, अरशद, अरमान और मुनव्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। नगर कोतवाली पुलिस और सर्वेलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। जनपद गोंडा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद की स्वाट टीम साइबर सेल के द्वारा अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह के 5 सदस्यों को, अरमान, अरशद, मुनव्वर, मनोज व अंकुर, जो जनपद मथुरा के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 24 अदद एटीएम, मोबाइल फोन व 5000 अदद एटीएम रजिस्ट्री बरामद की गई।
झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलारा में धान रोककर अपने घर वापस लौट रही 7 महिलाओं को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 महिलाओं की मौत हो गई है। लखनऊ से लौटकर अपने ग्राम जा रहे कार चालक जुबैद खान निवासी दुर्गा कॉलोनी गुना अपने गांव को लौट रहे थे, तभी अचानक चालक को नींद आ गई, जिसकी वजह से सड़क किनारे से गुजर रही महिलाओं को जोरदार टक्कर लग गई, जिसमें 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन वहां पर 3 की मौत हो गई है, बाकी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो झांसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 7 महिलाओं को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 3 महिलाओं की जान चली गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि लखनऊ से लौटकर अपने गांव कार चालक जा रहा था, तभी अचानक उसे नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से रोड किनारे जा रही महिलाओं को टक्कर लगे, जिसमें 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है। एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, कार चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, कार को सीज कर दिया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे, ग्रामीणों में खासा रोष भी देखा गया, 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। चिरगांव थाना क्षेत्र में आज गुलारा गांव के सामने हाईवे पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने खेत से काम करके लौट रही महिलाओं को बहुत तेजी से आते हुए उसने टक्कर मारी, जिससे मौके पे 7 महिलाएं घायल हुई थी, जिनको PRP और एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इनमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 4 का इलाज चल रहा है। वहीं ललितपुर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर चले हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों पक्ष नजर आए। मामला थाना जखोरा क्षेत्र के अंतर्गत बरौदा स्वामी गांव का बताया जा रहा है, ललितपुर की तस्वीरें जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरह से दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। कई लोग जो हैं इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। दरअसल जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में दोनों लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए हैं, पत्थरों से भी हमले हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी पूरे मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। वही झांसी के चिरगांव में शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया है, मृतक की प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक की प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शव को चिरगांव थाने के पास रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका आरोप है कि मृतक को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने जहरीला पदार्थ खिला दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों को किसी प्रकार से शांत कराया। बता दें कि झांसी के चिरगांव थाना अंतर्गत धमना में रहने वाले पंचायत सहायक नरेंद्र की जहरीली चीज खाने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन उसके शव को लेकर थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने शव को रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का आरोप है कि मृतक का क्षेत्र में रहने वाले एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर उसके परिजनों ने मृतक को जहरीला पदार्थ खिला दिया। परिजनों ने मृतक की प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शन कर लोगों को किसी प्रकार शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तब जाकर जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वहां से हट पाए। हरदोई जिले में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मासूम घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी पड़ोसी युवक अमरूद खिलाने के बहाने मासूम बच्ची को अपने घर ले आया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के रोने पर घर पहुंचे परिजनों को देखकर युवक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पीड़िता को डॉक्टरी परिसर के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरदोई का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 साल की मासूम के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक शख्स ने दुष्कर्म किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। मासूम बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नाव में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है, 1 गंभीर रूप से घायल है।
तेज रफ्तार वाहन ने एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में सवार 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। कानपुर से शव लेकर आ रही थी एम्बुलेंस, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल महिला को कानपुर के हेलेट अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। मौके पर SP सहित भारी पुलिस बल जांच में जुटा है। पूर्वा थाना क्षेत्र के तुसरौरा मुरावा मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वही रायबरेली में इलाज में लापरवाही के दौरान मासूम बच्चे की मौत के मामले में कमिश्नर लखनऊ डॉक्टर रोशन जकेब के आदेश के 3 दिन बाद प्राइवेट नर्सिंग होम सत्यम अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल में इलाज करने पर भर्ती मरीजों को शिफ्ट कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ले में स्थित प्राइवेट सत्यम अस्पताल का है, जहां लालगंज क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सुरेंद्र शर्मा के 2 महीने के बेटे राघव का इलाज के दौरान बायां हाथ सड़ गया था, जिसको एम्स में भर्ती कराने के बाद 8 जुलाई को हाथ काटना पड़ा। लेकिन 8 जुलाई की रात को ही 2 महीने के मासूम राघव की मौत हो गई। इस पूरे मामले में अस्पताल संचालक आशुतोष सिंह के ऊपर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना चल रही थी। बीते 24 जुलाई को मंडलायुक्त रोशन जैके मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच सत्यम अस्पताल के लाइसेंस को लंबित करने का आदेश दिया था। CMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च स्तरीय जांच पूरी होने तक सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा प्रतिबंध कर दी गई। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, अपर मुख्य चिक्सा अधिकारी रायबरेली से। सर आज क्या कर रहे हैं? आज सत्यम हॉस्पिटल में मानव आयुक्त महोदय लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के आदेश के क्रम में यहां का चिकित्सीय कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देर रात की है, जहां बरसावा कोतवाली क्षेत्र के बरसावा लालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाले गिरजा शंकर शुक्ला मुबारकपुर निवासी साको घर से निकलकर दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसावा लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना पर बरसावा थाना अध्यक्ष विजय राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगभग 9:30 पर हमारे पास एक डेड बॉडी आई थी, जिसके परिजन लेके आए थे। जब उसका परीक्षण किया गया तो पहले से मृत अवस्था में थी जी। और उनके परिजनों ने बताया कि उसका किसी रेल दुर्घटना में चोट लगी, जिसकी वजह से उसको हेड इंजरी हुई और यहाँ पर वो मृत अवस्था में पहुंचे। वहीं 46 साल पुराने जमीन के बेनामी के आधार पर एक मामला जो दाखिल किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। तहसीलदार दिलीप कुमार ने करोड़ों की जमीन का लाखों की अवैध रिश्वत लेकर दाखिल खारिज करने पर पीड़िता ने आरोप लगाया। उन्नाव का यह पूरा मामला है। पूर्व में खतौनी पर दर्ज 3 सह खातेदारों में 5 को सह खातेदार बना दिया गया। दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त करने का तहसीलदार पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जो कि शिकायतकर्ता ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। 2022 विधानसभा चुनाव में बांगरमऊ विधानसभा से आम आदमी पार्टी से शिकायतकर्ता लड़ चुका है। न्याय न मिलने पर शिकायतकर्ता ने 3 अगस्त को तहसील परिसर में ही आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। आत्मदाह करने की चेतावनी से प्रशासन में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्नाव की बांगरमऊ तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, हमने प्रदेश के यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए पत्र भेजा है, जिलाधिकारी महोदय के लिए पत्र भेजा है, उप जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेजा है और तहसीलदार महोदयों के भी मैंने अवगत करा दिया। एक बार पुनः रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत करा दिया है। अगर वो 27 तारीख तक हमको न्याय नहीं देते हैं और मुझे न्याय नहीं मिलता है तो आने वाली 3 तारीख को हम तहसील परिसर में आत्मदाह करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ पेयजल योजना के तहत और अमृत योजना के तहत घर घर पानी भेजने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर के लोग हैं जो पानी की किल्लत से भयंकर परेशान हैं।
लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद भी घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं ठेकेदार कर्मचारियों पर अवैध वसूली के क्षेत्रवासियों ने आरोप भी लगाए हैं। वहीं कानपुर के अधिकारी या नेताओं से भी बात की जाती है तो वो टालमटोल करते नजर आते हैं, मगर लोगों की समस्या है जो सुनने को तैयार नहीं है। ताजा मामला कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मछुआ नगर का है। यहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन तो डाल दी गई है, मगर घरों में पीने के पानी की किल्लत झेल रहे लोग का वही आरोप है कि 2 से 5 हजार रुपए तक लोगों से अवैध वसूली की गई है, उसके बाद भी लोगों को पानी की समस्या निजात नहीं मिल पा रहा है। लोग जब अपनी समस्या को लेकर सभासद या विधायक के पास जाते हैं तो उनको केवल आश्वासन ही मिलता है, मगर समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेकर कानपुर वासी काफी परेशान है। उन्होंने सीधा आरोप ठेकेदार कर्मचारियों पर लगाया है और नेता है जो क्षेत्र में से चुनाव के टाइम वोट मांगने के लिए जाते हैं उन पर भी आरोप है, उसके बाद क्षेत्र में देखने भी नहीं आते। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पेयजल योजना के तहत अरबों रुपए का बजट जारी कर रही है, मगर जो विभागीय अधिकारी है वो पूरी तरह से इसकी फजीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पानी समस्या चले तो क्या है भाई? पानी समस्या ये है कि हम तो भाजपा जी के पास जाते हैं, भैया पानी कब आएगा? वो कहते भैया 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीना में आ जाएगा। वो लाइन फटी है और इतना पैसा 500,000 रुपए खर्चा करके हम तो क्या मिला? कुछ मिला, पानी आया नहीं बोतली का। ये तो पानी की समस्या है ही है। अभी हम लोग जब आ रहे थे देखा था हम लोग, हाँ कहीं जगह कूड़ा ही पड़ा था। क्या सफाई कूड़े भी नहीं होती है? कूड़े सफाई भी नहीं होती है। क्या पार्षद द्वारा कोई सफाई सफाई? भैया कहते हैं कूड़ा उठा, तो कहते भैया हमारा क्षेत्र नहीं है। वो कहते हमारे क्षेत्र नहीं है, वो तो हमारी गली नहीं है। कौन कहता है ये बात? अरे भैया जो झाड़ू लगाते हैं हमारा राम सिटी। कौन सा क्षेत्र लगता है? मछुआ नगर में। क्या मामला है? मामला यही है पानी के मामले में। हम लोगों को 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, और कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो अब 2-3 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। सब लोग परेशान रहते हैं, बताइए। हम लोग काम करते हैं कि पानी के लिए अब ले बाल्टी भागे फिरते हैं, टैक्स सब पड़ता है, सब कुछ होता है। बताइए कहेंगे आज आ जाएगा, यहाँ से जोड़ दिया, वहाँ गड्ढा खोद दिया, यहाँ खोद दिया, कहीं गड्ढा भी नहीं खुदा न जुड़ाई हुई, बताओ हम लोग क्या करें। गोरखपुर में एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि व्यापक रूप से पूरी दुनिया में इंसानों के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाती है, समय समय पर इसका असर भी देखने को मिलता है। उसी के कार्यकारी सदस्य विशाल गोविंद राव ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला अस्पताल के सीएमओ पर बड़े ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। विशाल गोविंद ने कहा है कि पूरा का पूरा कमीशन का खेल है, जिसकी शुरुआत एम्बुलेंस के दलालों से शुरू होकर इसका अंत डॉक्टर के प्राइवेट प्रोसेस पर होता है। सालों से मेडिकल माफिया फल फूल रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अपनी जेब भर रहे हैं लगातार, और अलग अलग जगहों पर या फिर अपने घर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। इन सब को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य गणेश कुमार, जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे की ओर से कई बार चिताया गया, लेकिन ये खेल है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। दूसरों की डिग्री पर गोरखपुर शहर में बहुत सारे अस्पताल, दुकानों और मॉल की तरह सज चुके हैं, जिसमें हर दिन दूरदराज से आने वाले गरीब मरीजों की जीप काटी जाती है। इसके बावजूद भी अगर बहुत आवाज उठती भी है तो इन प्राइवेट नर्सिंग होम को सील कर दिया जाता है और फर्जी तरीके से कुछ दिनों बाद दोबारा से खुलवा दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ग्रीन लाइन में 3 मासूमों की मौत का मामला सामने आया था। पहले उसे सील कर दिया गया, बाद में उसे खुलवा दिया गया। बस इसी तरह से चल रहा है इन मेडिकल माफियाओं का गोरख धंधा। सोशल मीडिया पर भी जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जा रहा है। सर आज का सर प्रेस वार्ता जो है, सर 29 तारीख को मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। 29 तारीख को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पापा एडमिट रहे, 7 तारीख को उनकी मृत्यु हुई। इन 9 दिनों के बीच में एक भी सीनियर डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, बल्कि जब भी जूनियर डॉक्टर से कहा गया तो लोग मारपीट या मानवीय व्यवहार लोग करना शुरू कर देते थे। सर सामने सर गलत टेस्ट कराए जाते, बार बार टेस्ट करके ये कहा जाता था कि आप यहाँ ये ठीक नहीं होंगे, ये हम लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, आप लोग को हम लोग हॉस्पिटल बता रहे हैं, आप वहाँ पे ले जाइए, वहाँ अच्छे हो जाएंगे। सर मुजफ्फरनगर में देर रात आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लोकेश गौतम ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी पद से हटाए जाने से हताश होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लोकेश गौतम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। पीड़ित लोकेश गौतम ने जिलाध्यक्ष पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए समाधान न होने पर जीवन लीला समाप्त करने की चेतावनी दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर में देर रात उस समय आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के घर हड़कंप मच गया, जब जिला उपाध्यक्ष लोकेश गौतम ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश की है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति जरूर शुरू हो गई है।
मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक के पास स्थित अपना अस्पताल नामक निजी अस्पताल में देर रात डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काट दिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल अपना हॉस्पिटल का है। देहरादून निवासी युवक अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए मुजफ्फरनगर आया था, जहां उसने अपनी पत्नी को अपना अस्पताल में एडमिट करा दिया, जिसके बाद डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद अनन्फान में अस्पताल के डॉक्टर द्वारा महिला को मेरठ रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में उसकी जान चली गई। जी मेरी बहन जो है उसको एडमिट किया गया था मेरे आने से पहले, जिससे मैं आई वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने इनसे पूछा डॉक्टर नीचे कि इसे क्या परेशानी है, इन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, इसको बच्चा होगा भी। मैंने बोला कि इस वजह कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसे दिक्कत इसे है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस टाइम पे इन्होंने एडमिट कर दी, मैं घर तक के गई, वहां से इन्होंने मेरे बहनों ने फोन करा कि हम लगे ले गए रूम में ले गई। मैं वहां गई तो उसको जबरदस्ती से इन्होंने फिर इंजेक्शन लगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create